वोटिंग के लिए लोग निकलकर पोलिंग बूथ तक आ रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, बुजुर्ग और ऐसे लोग जो पहली बार वोटिंग का जिन्हें अधिकार मिला है या पहली बार जो इस्तेमाल कर रहे हैं अपने वोट का, यानी युवा, वो भी बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं, महिलाएँ आ रही हैं। एक अंकिता जी आई हैं यहाँ वोट करने, इनकी खास बात यह कि कल इनकी शादी है और शादी की जो तैयारियाँ होती हैं, वे तमाम व्यस्तताएँ होती हैं, उनमें से टाइम निकाल कर आ पाई। हाँ जी, आज कल मेरी शादी है और आज हमारे फंक्शन स्टार्ट हो रहे हैं, तो उसमें से मैं टाइम निकाल के वोट करने के लिए आई हूँ। क्योंकि बहुत मुश्किल से टाइम मैनेज होता है जब शादी के फंक्शन होते हैं, उन लोगों के लिए आप क्या कहेंगी जो अपनी व्यस्तता का हवाला देते हैं और वोट नहीं देते हैं? मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वोटिंग करना बहुत ही अनिवार्य है और ये सबको करना ही चाहिए। उसके लिए टाइम निकालना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आप विकास के लिए है अपने देश के, तो उसके लिए आपको निकालना चाहिए टाइम। अलग अलग तरह से लोग वोट मांगते हैं, आपके पास आते होंगे अलग अलग पार्टियों के नेता, नई सरकार कैसी चाहते हैं आपकी, किस तरह की सरकार हो, किस तरह का वो काम करे और उस आपको क्या उम्मीदें हैं नई सरकार से? वेल, इस केस में तो मैं यही कहूँगी कि डेवलपमेंट चाहिए, जो मेन है, विकास चाहिए, एजुकेशन चाहिए और वुमेन एम्पावरमेंट तो वैसे भी बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो बरकरार रहे, वो मैं चाहती हूँ ज़्यादा। महिलाओं की बात हुई है चुनाव प्रचार में, आपने गौर किया, या गैर ज़रूरी तमाम बातें हुई हैं, निजी हमले हुए हैं, उसमें कहीं ना कहीं ड्रिल हो जाते हैं जो आपके लोकल इश्यूज़ हैं, लोकल प्रॉब्लम्स हैं, तो आप एक वुमन होने के नाते क्या सोच रही हैं कि चुनाव प्रचार में महिलाओं की बात होनी थी, हुई है, नहीं हुई है, या जो सरकार है वो आप लोगों के हिसाब से किस तरह का काम करे कि महिलाओं को भी आगे आने का मौका मिले? इसके लिए मैं चाहती हूँ कि एक अलग से कमेटी बिठाए कि जिसमें से वुमन एम्पावरमेंट के लिए बात हो, एक कमेटी हो जो वुमन की ही हो खुद, के जो उनके आगे बढ़ाए एक दूसरे को, ऐसा मैं चाहती हूँ। दर्शी, आप आई हैं, पहली बार वोट किया है आपने, कैसा रहा तजुर्बा पहली बार वोट करने का? बहुत अच्छा रहा जी, अच्छा लगा, जो राइट मिल रहा है और पहली बार वोटिंग था तो एक एक्साइटमेंट भी थी कि हम पहली बार वोट दे रहे हैं। युवा हैं आप, क्या सोचती हैं कि युवाओं की के लिए सरकार क्या काम करे, किस तरह का काम करे नई सरकार जो भी बने? बस कहा है कि युवा है हम, सो युवा को पहले एक एम्प्लॉयमेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल एजुकेशन एक बेस अच्छा होना चाहिए, एम्प्लॉयमेंट है, और फिर वो वाली भी बात है, अभी वुमेन एम्पावरमेंट में जैसे उन्होंने भी बोला, सो मैं भी उस बात को सपोर्ट करती हूँ कि वो भी होना चाहिए साथ साथ में, एक्स्पेशली एक गर्ल्स को एम्प्लॉयमेंट की जो है, वीमेन की एम्प्लॉयमेंट की भी एक स्पेशली होना चाहिए कमिटी या कुछ, के जैसे वीमेन ज़्यादा के ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट उनकी बढ़े और उनको भी एक बेस मिले कि जैसे वो एक अपना खुद अपने पैरों पर खड़ी हो सके। आप भी पहली बार वोट करने आए हैं, क्या कहेंगे उन युवाओं के लिए जो पहली बार वोट का जिन्हें अधिकार मिलता है, वोट बनता है उनका, लेकिन कई लोग हैं जो वोट नहीं डालते हैं, पोलिंग बूथ तक नहीं आते हैं? मैं कहना चाहता हूँ कि बहुत ज़रूरी है वोटिंग के लिए, क्योंकि वोटिंग में पहला वोटिंग हो तो वो फीलिंग एक्साइटेड और बहुत ज़रूरी है डेवलपमेंट के लिए, इसलिए ज़रूरी है। और एक आखिरी सवाल आपसे, ये सरकार, नई सरकार जो बनेगी, उससे आप अपने लिए और युवाओं के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं कि आपके लिए वो किस तरह का काम करे? करप्ट फ्री काम करे और अच्छा काम करे। अंकिता, एक सवाल और आपसे, शादी के बिजी शेड्यूल में आप आई हैं, मुबारकबाद भी आपको, बहुत अग्रिम बधाई। जो लोग ये कहते हैं कि फ्रस्ट्रेटेड जो बातें करते हैं कि सरकार ये करप्ट है, वो करप्ट है, नेता करप्ट हैं, बदलाव तो खुद से शुरू होता है, लोग आलोचना करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं नेताओं को, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, लेकिन जब वोटिंग का दिन आता है तो वो अपनी जो ताकत है उसका इस्तेमाल नहीं करते, यही ताकत है जो आप सरकार बदलने का या वो उसको चुनने का अधिकार देती है जो आपका काम करे, ऐसे लोगों के लिए क्या कहेंगे मैसेज देंगे? मैं ऐसे लोगों के लिए यही कहना चाहती हूँ कि आपको बदलाव चाहिए तो खुद से स्टार्ट होगा और वो स्टार्ट होगा वोटिंग से। आइए, वोट करिए और अपने देश को आगे बढ़ाइए, उससे सब चीज़ बदल जाएगी। और मैं चाहती हूँ कि वोटिंग सब आके करें, अपने टाइम निकाल के और स्पेशल टाइम ले उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना इन लोगों को, दो लोग हमारे साथ थे जिन्होंने पहली बार वोट डालने के लिए आए हैं यहाँ बूथ पर, वो पहली बार उन्हें मौका मिला है। और दूसरी बात जो मैंने देखा कि अंकिता, जिनकी शादी कल है, लेकिन वो, उनका कहना है कि बिजी शेड्यूल जो था, फंक्शंस होते हैं, तमाम तरह की रस्म निभाई जाती हैं, उनके बीच में से वोट वक्त निकाल कर आई हैं। उन्होंने अपील की है लोगों से कि व्यस्तता रोज़ होती है, डेली की व्यस्तता होती है ज़िंदगी में, लेकिन जिस दिन वोट पड़ें उस दिन ज़रूर घर से बाहर निकल कर पोलिंग बूथ तक आना चाहिए और सभी को बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लेना चाहिए। कैमरामैन मनमीत के साथ राघवेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, राजकोट।